नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी फूडी विद मंजू पर। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज की हमारी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल नारियल की चटनी। तो चलिए आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने ये नारियल लिया है। आप चाहें तो इसका छिलका भी छील सकते हो, लेकिन हम छिलके के साथ बना रहे हैं। इसी के साथ हमने ये 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और अपने भुने हुए चने। आप भुने हुए चने की जगह आप सादा वाले चने भी ले सकते हो, उन्हें हल्का सा तवे पर भून लें। आप इसमें पीनट्स भी डाल सकते हो। तो हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा पानी डालकर हम अपनी चटनी को पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी तड़के की तैयारी। तो इधर हमने तड़का पैन में तेल गरम कर लिया है। तो मैं सरसों के तेल में तड़का लगा रही हूँ। आप सरसों के तेल की जगह आप रिफाइंड ऑयल में भी लगा सकते हो। तो हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अपनी राई। आप राई की जगह सरसों भी ले सकते हो। और फिर डालेंगे हम इसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हींग, और इसी के साथ इसमें 4 से 5 करी पत्ता, और अपने तड़के को हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा तड़का बनकर तैयार है। तब हम तड़के को चटनी में डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारी ये नारियल की चटनी बनकर तैयार है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी बनी है। और अगर आपको हमारी ये नारियल की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको हमारी ये नारियल की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी अगर इस तरीके से नारियल की चटनी बनाएं और एंजॉय करें। तो अब मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।